हेलो भाई, गुड मॉर्निंग है भाइयों को ऋषिकेश के कैंप से। तो फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 11 बज गए भाई, अब उठे हैं और बाहर का नज़ारा बहुत ही प्यारा है भाई। ये देखो, जैसे ही मैं निकलूँगा तो आपको ये देखो, मॉर्निंग्स लाइक दिस, वाओ सो ब्यूटीफुल। कल तो गई नहीं पुल में, अब चलता हूँ भाई, हमारा दिनेश ना आ रहा है उधर, वहीं पहुँचता हूँ। चुके हैं रेडी एकदम सेट, और अब खाएंगे यहाँ रोटी। डिनर का समय 10 बजे तक ही होगा, इसके बाद जिम्मेदारी नहीं है यार। रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ो भाई, नियम कह रहे हैं नशा करना मना है महिलाओं की, जिंदा करने वाले की हमारे यहाँ जगह नहीं है। एम में अपने किंग सामान चले तो बेकार है, हर टेंट में किसी भी सामान खराब होने नुकसान पर बड़ी। हाँ ओके, थैंक यू भाई। देखना सेटअप कितना सिस्टम धर रखा है भाई ने, ये अलग डीजे, वो अलग डीजे, लाइट वाइट। रात को क्या हुआ, यहाँ आ गई बारिश भाई, बहुत तेज बारिश आ गई। बाहर ऐसे डिनर विनर कर रहे थे, झट बारिश आ गई, फिर अंदर एकदम हमको आना पड़ गया। ये बन चुका है अपना लंच, जिसमें मेन्यू में रायता है भाई अपना। ये क्या है जी, दाल है जी। अच्छा वाह, रसगुल्ले भी हैं, वाह वेरी नाइस। तो पनीर सब्जी, पनीर, चावल, अच्छा रे, कर एंजॉय। अब ये लोग आप सैलेड खाओ, वाह गुरु जी, मजा आ गया, मजा आ जाएगा भाई। इसी केस में कुछ अच्छी जगह सजेस्ट करो घूमने के लिए। जगह भाई जी, नीलकंठ, नीलकंठ महादेव आप जाओ, भोले बाबा के दर्शन कर जाओ, वही जाते हैं फिर भाई, उधर के प्लान है। बाकी बाद में देखेंगे, फोन चार्ज कर लूँ, पानी घुस गया एडाप्टर में, इसमें स्विमिंग पूल में आवाज़ दे रहा था ना, तो भैया ये लगा दो चार्ज पे, हो गए जाए तो बेस्ट है यार, 1% बची है। चलो भाई अब निकलते हैं, ए मैं अपने आप ले जाऊंगा महाराज नाम मंत्र। तो भैया ऐसी बात है, अब चलने का समय हो गया है। ये प्रॉपर्टी भाई, अगर मजा लेना जीवन कर इसी केस का, तो ये भैयाओं का नंबर है, बिल्कुल घर जैसी बात। एक अल्लाह भाई के नाम ले दियो, बढ़िया वाप मिल जाएगा, बहुत मजा स्वाद आ गया भाई कसम से। रात की मतलब डीजे फीजे सब तो भयंकर, और सर्विस के मामले में खाना वाना सब बेस्ट है। ये भाई तुम्हारी गैल चल रही सब तो भाई, चलो ब्रदर टाटा बाय बाय। मतलब ऋषिकेश में शिवपुरी में भाई पीस तो है, जन्नत। और यहाँ रात को बारिश हुई, पूरी रात होती रही, और सुबह ऐसे सूरज खिल गया। इधर मौसम का कुछ पता ही नहीं है कि कब कैसे हो जाए। दिनेश ये कच्चा तेरा है, या पर आ गए, आ जा नीचे पता ना भाई, रख के और भूल भी गए हैं। कलाकार है भाई वो, बाकी भाई वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय फेमस कार्स डॉट कॉम। यहाँ से आप किसी भी गाड़ी की तगड़ी तगड़ी अपनी एक्सेसरीज मंगवा सकते हो, आपके घर पे डिलीवर कर दी जाती हैं। है नहीं ना कपड़ा वपड़ा की, अरे नहीं कैसी बात कर रहे हो, सही है, जाटन की गाड़ी अच्छी लगे बुरी सनी। भाई देख रहे हो सर्विस, देख रहे हो आप, हाँ मनीष भाई मजा आ गया गुरु, मौज आएगी। और आगे जल्दी जल्दी और आना भाई, आप जरूर आएंगे भैया, बुलाया बुलाओगे तो हमें। तो भाई अभी प्लान में हल्का सा चेंज है, अब मैं जा रहा हूँ नीम करौली बाबा मंदिर, बहुत सुना है भाई मैंने, कभी गया नहीं हूँ। नीलगंज तो मैं जा रखा हूँ, तो मैंने कहा इस बार वहीं चलता हूँ, जो यार इसी के इससे मात्र 30 किलोमीटर दूर है, और मेरे को पता ही नहीं था, आज तक कभी गए नहीं। तो भाई चलते हैं, संतोष भाई को छोड़ देंगे, और ये भैया संतोष भाई अपने होटल जा रहे हो भाई, कोसी। तो भाई इनकी ट्रेन है 6 बजे की, ऐसे ही इनको करना पड़ता है दोनों जगह हैंडल, दोनों जगह देखना पड़ता है। तो पर भाइयों के रिजॉर्ट में जरूर आके रुके, मजा बैठ जाएगा, क्यों भाई की तरफ से जो आएंगे उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट करेंगे। ओके डन है भाई, डन, पक्की बात है ना, पक्की। जो भाई नाम भी ले देगा उसी टाइम में डिस्काउंट कर देंगे उसे। चलो ठीक है, कहाँ पे चलूँ फिर, लेफ्ट राइट कैसे? ये आपको राइट जाना होगा, आप मैं छोड़ जाऊँ स्टेशन तक? भाई साहब आवाज आया आपका, देहरादून की सीमा लग गई है, यहाँ पीछे बोर्ड हो अभी। भाई इस बार ना आप मेरे को सजेस्ट करो, यहाँ पे है क्या उत्तराखंड, मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। हिमाचल तो मैं भाई बहुत बार गया हूँ,
लेकिन इधर भाई अभी पीछे सहस्त्रधार 35 किलोमीटर, मतलब बहुत सारी जगह दिखा रखी थी मेरे ख्याल से, चंबा टेहरी डैम टेहरी करके भी चीज़ें हैं इधर, टेहरी तो मैं जा रखा हूँ, हाँ वहाँ तो गए होम स्कोर पे जब हमारी फंसी रात के नदी के किनारे, वो तो बेकार है। हाँ मसूरी भी 63 किलोमीटर, देहरादून 33 किलोमीटर बता रहे हैं। तो मंदिर ये नैनीताल में है, देहरादून में है, समझ से बाहर है भैया हम दोनों। ये चश्मुद्दीन, वाह भाई रोड तो देखो जरा, हम जा रहे हैं। अच्छा, एयरपोर्ट भी है देहरादून में, पर भाई मेरे को नहीं पता था, पर नजारा कितना भयंकर लग रहा है यार कसम से, आगे पहाड़ उधर उधाली, ओए पहाड़ देखेंगे हवाई जहाजन ने, हवाई जहाज देखेंगे। अच्छा साइड में एयरपोर्ट है, अभी जा रहा भाई इतना बड़ा प्लेन पल्ला लगा रखे है ना, कोई सेल्फी ना बनावे इसलिए, कहा ना बनावे कोई सेल्फी वेल्फी ना बनावे ऐसे दे हाथ देख जाके सेल्फी बना के जा, मैं नहीं जा बना के सेल्फी ले। ओ भाई जा उठ रही है ये गाड़ी तो हाँ। मैं यो कह रहा हूँ हाँ। चले यहाँ मैं घर बैठ जा, यही तो पक्के ऐसे नहीं जा सकते, क्यों यहाँ तो जाके लटक जाएंगे पंखे पे, नहीं नहीं छुप जाएंगे नहीं। एक घंटा में पहुंच जाएंगे घर, बिल्कुल जरूर ऐसी बात है, बेल्ट लगा ले ऐसी बात है तो कोई पता चले प्रीमियम जो रोड है यहाँ पुलिस वाले खड़े हूँ आगे बट ऐसी दे फर्रा सेल्फी चक्कर में, यहाँ गाड़ी खड़ी है यहाँ खुल रो हो, कई गाड़ी खड़ी है यहाँ पक्की बात है। हाँ बैठे यही कर लू, हाँ वो कैसे देख रहे आराम तो बैठ के कतई देखो, वो भाई देख रहा हूँ वहां तो एयरपोर्ट है, दिनेश बेचारे को देख रहे छपरी, दिल्ली में तो लाउड रहा है ऐसे देखना यहाँ, पता ना कैसे ओपन है भाई ये गेट रहे देहरादून एयरपोर्ट के, ये देखो सारा ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ तो रनवे वगैरह दिख रहा है। अच्छा आगे कहीं होएगी बाउंड्री ऐसा थोड़ी, भाई फाइनली गाड़ी खड़ी करके मैं भी आ गया, ये देखो ये रनवे, यार छोटा ही एयरपोर्ट है दो प्लेन खड़े मात्र, पूरा क्या बढ़िया नज़ारा आ रहा है यार, देखना क्या व्यू है फैंटास्टिक, ये रनवे होता है यहीं से उड़ता है यहीं लैंड करता है, अभी तो कोई आना रहा जहाज, अभी इसमें लाल बत्ती दिखा रही है, अभी कोई गाड़ी नहीं आ रही हवाई जहाज की है, गाड़ी बोल रहे हवाई जहाज थे, तेने कहाँ देख ली बत्ती कहाँ है, बत्ती कहाँ है लाल बत्ती रोड पे जुड़ रही से देख सामने, अच्छो 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 हाँ आती तो हरी पत्ती ना दिखा देगी, सही कह रहा है फिर तो मैं दिमाग तो है गुरु, फिर और क्या है कोर्स करो तेने कोई बढ़िया वार हुई फेस दो भाई, बत्ती अभी अभी लाल है भी नहीं आएगा बहुत देर में आता है इधर, कोई तो कह रहा हूँ मैं अभी टाइम बुरा नहीं हुआ उनको, अगर हम अपनी गाड़ी में खड़े कर देंगे ना तो एयरपोर्ट से सबसे पहले बाइक पे आएगा भाई आगे लेकर। अच्छा दिल्ली की कह रहा होगा तू, हाँ दिल्ली में तो ऐसा कहते जैसे ये गाड़ी खड़ी होगी नहीं इसके सहारे तो भाई निकलो आगे चलो आगे जाओ, यहाँ ना कह रहा कोई कुछ भी, वही तो मैं कह रहा हूँ तो गाड़ी खड़ी कोई सारा पी ले कोई कुछ कर ले कोई आग लगा दे फिर क्या होगा यहाँ आए ऐसा इतना खतरनाक। तो भाई तू एक बात बता, तू दिल्ली के एयरपोर्ट पे कब चलेगा, दिल्ली के एयरपोर्ट में कब चलेगा, जब इंडिवर में जब मैं राकाश और अजीत जब हम वहाँ जा रहे थे शादी में तो उनको लेने के जब गए थे वहाँ खड़े हुए तम, हाँ बाहर ही रोड पे तीन बार देख के वहाँ एक बाइक वालों को दो जगह जो जगह थे भगा दिए, 15 मिनट रहेगी गाड़ी खल्ला खड़े खड़े। अच्छा यहाँ तो है एयरपोर्ट की एंट्री, हाँ। अच्छा पर छोटा ही एयरपोर्ट है भाई, कोई मेरे ख्याल से कोई फ्लाइट आ दो दो तो कुल जहाज खड़े हैं बताओ, इतने दिल्ली में ऐसे वो सड़ते रहे मैं खड़े खड़े इससे ज्यादा ही, पर सही है चलो कनेक्टिविटी है सबसे बेस्ट बात, ये दिल्ली तो ही आती होंगी मेन फ्लाइट या कनेक्टिंग रहती होंगी यहाँ, पर भाई नजारा ही कहते हैं आते भी भाई जगह तो प्यारी है यार, ये मतलब सब जगह इनकी ना अलग वाइब्स है यार अपनी, मतलब जैसे लद्दाख जाओगे स्पीति जाओगे हर जगह की अलग पहाड़ और अलग तरीका की थोड़ी सी वाइब मिले, जैसे यहाँ यू के दिखे गाड़ी पे वहाँ एचपी दिखे, यू का है तो बढ़िया, ये वो है क्वार्टर, क्वार्टर नहीं है पुलिस चौकिंग का वो है ये जैसे हमारे वहाँ बने, नहीं नहीं ये वो है, वाह 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 बहुत भाई इतना तगड़ा स्कैम हो गया आज तो हमारे साथ, स्कैम तो क्या इसको बेवकूफी कह लो या कुछ भी कह लो, मैं भी सोचू यार नैनीताल इतनी नजदीक ऋषिकेश के, यार भाई उजन कहाँ मैंने लगाया नीम करौली बाबा मंदिर है, अब इसने हम इस लोकेशन पर ला के रख दिए, कोई गांव सा है कोई मतलब कोई छोटा मोटा मंदिर होगा, फिर मैंने ना जैसा हमारे साथ एक बार मेहंदीपुर बालाजी में हुआ था
वहाँ का मेहंदीपुर बालाजी लगाया हमने, जयपुर का किसी का दिखा दिया था उसने, सॉरी सालासर बालाजी। तो आज वही काम हो गया भैया, देखना असली जो मंदिर है मैंने गूगल पे सर्च किया वो है यहाँ से 273 किलोमीटर दूर, ये नैनीताल में हल्द्वानी के पास, और मैं कहाँ देहरादून में डोल रहा हूँ ना नीलकंठी जा पाए ना वहाँ, भाई कोई से बुलाई ना रहे, अब क्या करें। चलो यहाँ कभी और आएंगे, अब तो फिर देहरादून देख लेते हैं, और तो क्या है देहरादून में, क्या है कैसा है, उधर डोल के आते हैं। क्यों भाई अब तो दिक्कत हो गई यार, गलत रास्ते पे आ गए। कैसे? वो तो दूर है 300 किलोमीटर। कौन सा? जहाँ जा रहे नीम करौली बाबा पे। अच्छा, अभी अभी अब कहाँ चलेगा? देहरादून चलो यह मतलब ही ना कही थे भाई, ये अपना इसमें अब देहरादून डाल देता हूँ यार। वही ठीक है, कहाँ करेगा, रात तक कहाँ पहुँचेगा वहाँ, तीन तो पहुँच रहे हैं। ओ वहाँ अब तो नहीं भाई, बंद हो जाएगा मंदिर, सीधा हमने वहीं लगा देहरादून ही चलते हैं। चलो भाई फिर और क्या करें यार, यार वहीं तो सीधे रास्ता निकल जाते, हम गामन में क्यों फंसते। सही में अरे तो भाई ये गूगल मैप्स पे भी पागल है, ये भी सबसे ऊपर वही दिखा रहा था, मुझे लगा यही होगा, बहुत फेमस मंदिर है। बताओ ऐसे यार हद्दी है, इतने फेमस प्लेसेस पे भी इधर उधर डुला देता है यार गूगल मैप्स। यार देहरादून में भाई सारे दुकानों पे ना ये सेम एक जैसे लाल लाल से बोर्ड है, चलेंगे कहाँ, मैं वही पीछे देख रहा हूँ, यहाँ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है क्या? देखो ये आ गया दोबारा से, मैं चीज नोटिस कर रहा हूँ यहाँ, ये देखो अब आगे दिखाऊंगा, अरकाई ने डिप्पर मार रखा मेरे पीछे को, ये देखो ये यूके के ड्राइवर ना बहुत अजीब चलाना है गाड़ी, बहुत तेज उत्तराखंड के पहाड़ी, तो मतलब सेम सेम सी है। और जैसे हमारा किसान भाई है दिनेश, इसका तो नजर इन पे जा रहा है, इनकी बाल आई है अभी, गेहूं में बाल आई है, अभी बाल आई है इनमें, और तो हमारे वहां के कटने तैयार है वो तो 15 दिन, बस 15 दिन बाद भाई ने दिखाएंगे कैसे कटे गेहूं, कैसे नाज निकल रहे, कितना रुपया कमाया दिनेश ने अब के नए खेत में भी, अब के तो नए खेत भी कटवाएगा, नए भी यार पुराने वाले इनमें सब उनमें। भाई ये देखो ये फिर से वही सेम बोर्ड आ गए, और जो यहाँ के रोड बना रखे हैं भैया सरकार ने, ओहो हो 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 हो, एक जेन्युइनली भाई इतना मजा आ रहा गाड़ी ड्राइव करने में, फुल स्वाद, कोई ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं, मतलब जैसे मेरा फर्स्ट टाइम है ना देहरादून का, फर्स्ट इंप्रेशन में तो आई एम लविंग इट, पहली अल्लाह में बहुत बढ़िया शहर रियाल तो है। देहरादून ही तो राजधानी लगे हैं यहाँ की उत्तराखंड की, आई माइट बी रॉन्ग बट शायद यही है भाई। अभी मैं सहस्त्र धारा आ गो यहाँ देहरादून से 8-10 किलोमीटर में कहें चलूँ, यहाँ तो ये है ये कुंडी सी बना रखी है, चलो अच्छा है, रोक के जगह बना रहे हैं पार्किंग के लिए, जो अलग अलग अच्छा है भाई, सहस्त्र धारा भी काफी गुड है, मैं तो यू टर्न मारता हूँ, चलो देहरादून ही चलता हूँ, मसूरी का भी रास्ता है पर नहीं ना जानते ना आगे के, मेरा मन थोड़ी अब देहरादून वो पीस वाली जगह हो गई, अब थोड़ा सा वैसी जगह हाई फाई जगह एक्सप्लोर करने का जैसे लाइक देहरादून, पर सहस्त्रधारा से मुझे ज्यादा उम्मीद थी थोड़ी सी। अब क्या होगा क्या चले वहां कहा करेगा, मैं जाके यहाँ जाएगा देखेगा, अब कहा चले देहरादून, अब यू देख लियो तेने ओ बस, और कहा देखे है मैं तू बस यू ही चीज है। अरे यार देखियो एक बार गाना, पानी रुक रहे हैं देखो, मजबूर लग रहे हैं पत्थर ने जमा जमाए के, अरे वे कुछ बना रहे हैं कुछ पता ना कहा सिस्टम भाई, ब्रेकर से बना रहे हैं वो पानी पार्क ना हो ज्यादा, वो ये देख ले। चलो कोई बात नहीं, चलो लेट्स गो, यही कार पार्किंग वगैरह भी है, चलो अच्छा है भाई देख लिया, वेरी नाइस हो गए, तो यहाँ पे शिव मंदिर भी है भाई, चला देहरादून भैया, देहरादून पहाड़न पे तो कहीं ना है, मैंने एक होटल बुक करो यहीं, मेरा मन कर रहा सोने को, नींद आ रही है तो मैं वहां जा रहा हूँ भाई, इतना ट्रैफिक है इस रोड पे, मतलब पीछे तक देखो मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल, बहुत जाम रहे यार यहाँ, तनिए काम चल रहा हो या की वजह से लगा लो। तो भाई देहरादून में अपने होटल पे पहुंच गए, गाड़ी कर दी है पार्क, चलो भाइयों को जरा रूम टूर देता हूँ भाई अपना, ये यहाँ का द ऑनिक्स करके कोई होटल है, ओए कल बंद करियो दिनेश बंद कर ले गाने ने, इन्हें देखता रहेगा शॉर्ट ने दुनिया बिगाड़ दी वैसे, अरे वीडियो बना रहा हूँ भाई, ये मैं हूँ, ये हमारा रूम है, कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम है देहरादून में, इसलिए मेरे को स्टे लेना पड़ा यार, एकदम फरार हो जाते आज ही घर ही काम का, ये देखो ऐसा स्पेशियस है यहाँ, और कचने लगाना चाहिए
ये वर्क स्टेशन, ये बालकनी से व्यू, यही के एप्स है दिनेश का फेवरेट, और इसी के साइड में डोमिनोज है मेरा फेवरेट, और इसी के सामने फूड का शोरूम है, ये वो सॉरी सर्विस है, अब तो सर्विस ही बची है, यहीं जिम है, हर चीज़ मतलब हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहीं की देखो कितना अच्छा रूम है यार, 2000 रुपये में बढ़ता है, क्या दिक्कत है, वॉशरूम वगैरह भी बहुत अच्छा है, दिखाई दो भाइयों को, देखो ठीक है जी, ओके वाह एट लोग लखो वाह भाई, मैं तो अभी आज ब्लिंकिट देखो मैंने, अरे कहां है वो कैमरा, ये ब्लिंकिट वाले 8 मिनट में डिलीवर कर दे सब सौदा है, यो यो भारी भाई मतलब सोच के देखो 8 मिनट में सब सौदा, या मैं पेप्सी वेप्सी पानी वगैरह मंगवाया मैंने, ये खोल यहां है और ये तो पूरा प्रॉपर पैक करके भेजा है, अब भाई मजा आ जाएगा, ओए होए, और भाई वो खड़ा रिसेप्शन पे, और वो खड़ा रिसेप्शन पे ही बात ढूंढ रहा है, अरे यार समझ ना आवे रिसेप्शन कहाँ रहे जा समझ, ओरे भैया तेरे तो खोल, हैप्पी होली, दिखाता हूँ आपको क्या क्या मंगवाया मैंने, ये तो अपना लव सबसे बेस्ट है उसके, हमको लगता है वही खाना, कुछ ये फ्री डिलीवरी करने के लिए मंगवा लिए बस ऐसे ही, अरे ये मंगवाना था मेन, तो अब 30 रुपये डिलीवरी चार्ज लगा रहे हैं, मैंने इससे अच्छा ये कर लो, और पानी की बोतल वगैरह और पेप्सी, पानी बोतल भी, और सब सौदा आ जावे आजकल, और यही तो गए हो यहाँ, अरे वो इतने भाई देखने होटल वाले इतने इतना सब पानी दे, मैं बस यू कहा है या बना के पी रहा हूँ मैं तो आराम से, मस्त भाई ऐसी बेल्ट लगाओ जब पेट सही होगा, दिन रात सुबह का तो लगा के, अब फाइनल यू ही दिख रहा है, फाइनल ऑप्शन यू ही दिख रहा है, यही ऐसा क्या मेरा पेट कम और का इतना ऐसा पागल है तू, मेरे टेस्ट हुई घर के ने पूछ के देखियो पेट का तो ये ऐसा करती हो, और महीना भर लगाई मैंने लगातार भाई फोन मिलाइयो, कैसा है मिलाऊ मंगवाऊ मैं, हाँ मिलाइयो फोन, इनके मजाक ना कर रहा मैं, ये बात कभी जान रहे भाई पेट का मजा आया थे ना, वो पेट लगाने थे होवे ना होवे, ए कमाल की बात है, आग जल जाए, आग जल जाएगा ऐसे, हाँ पसीना फेंकेगा ऐसे पूरी तरह से, और तू तरह तक जाओ भी तभी पसीना जैसे तीजी दौरा हो, कैसा है पेट कम पेट ज्यादा ही हो रहा है भाई, मैं दिखा नहीं सकता, 500 रुपया खेल है आराम से, 500 बस बस, फिर तो चलो भाई जल्दी मंगवाओ यार, ये लोग पागल है जो मंगवा रहे हैं, और देखो कितने अच्छे अच्छे रिव्यू दे रखे हैं लोगों ने, अंदर पसीना आता है, चलो क्या था पसीना भाई, ये होता है गुड़ यार, ये तो काफी गुड़ है, ऐसे तो भाई ने लगा रखी है, कटलरी की कई कटलरी ना भेजी इनने,